Hey guys, welcome back to Adira Vlog. मैं रश्मि एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ. फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने शादी शॉपिंग सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके दो पार्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, और ये थर्ड पार्ट है. और इस पार्ट में हम कवर करेंगे मेकअप बॉक्स और मेकअप से रिलेटेड कुछ एसेसरीज़. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और हाँ, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं. सो सबसे पहले मैं सबसे अफोर्डेबल रेंज का मेकअप बॉक्स दिखाऊंगी. ये मेकअप बॉक्स काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं होता है, बिकॉज ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट सा होता है. और ये है तो काफ़ी पुराना, ये मेरी शादी का ही है, इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है. अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप इस तरह के मेकअप बॉक्स को ले सकते हैं. और इसमें भी काफ़ी स्पेस होता है, इसमें मेरा कुछ भी ऐसा सामान नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ. ये मेरी जो मैं बिंदिया नहीं यूज़ करती हूँ वो मैंने इसमें रख दिया है. और इस तरह से एक चेन ये है, और ये नीचे जो चेन है इसमें काफ़ी स्पेस है. ये देखिए, आपको दिख ही रहा है कि इतना स्पेस है. आपका मेकअप प्रोडक्ट और थोड़ा बहुत सामान और इसमें आ जाएगा. सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस तरह के भी ले सकते हैं. ये भी मेरी शादी के ही हैं, और काफ़ी सारे शादी में हो जाते हैं, ससुराल साइड से होते हैं, और एंगेजमेंट में भी आते हैं, और हमें भी कुछ एक लेना ही पड़ता है, तो दो तीन हो जाते हैं मेकअप बॉक्स. तो ये भी अच्छा होता है मेकअप बॉक्स, और इसमें भी काफ़ी स्पेस होता है. ये देखिए, इतना स्पेस तो आपको दिख ही रहा है इसमें. इसमें मेरा कुछ सामान रखा हुआ है इस तरह का. इसमें काफ़ी स्पेस होता है, आपके मेकअप प्रोडक्ट और कुछ आपका ज़रूरी सामान इसमें आ जाता है. और इस तरह के मेकअप बॉक्स ऑफलाइन भी अच्छे रेट पे मिल जाते हैं, और आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. और मुझे इन सब के जो जो लिंक मिलेंगे, मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. और मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इसी से मैच करता हुआ एक और. ये है, ये भी शादी के टाइम के ही हैं. इसमें थोड़ा सा ये चेन वेन निकल गई है, इस टाइप के भी ले सकते हैं. और इसमें भी उतना ही स्पेस है, सब में सामान भरा हुआ है. इसमें भी पहले जैसा ही स्पेस है. ये देखिए, काफ़ी सारा सामान आ जाता है यहाँ पे. साइड में आप बिंदी बिंदी रख सकते हैं यहाँ पे, और मेकअप का सारा प्रोडक्ट इसमें आ जाता है. तो इस तरह के भी मेकअप बॉक्स आप ले सकते हैं. और मैं आपको दिखाती हूँ एक ये, इस टाइप के भी अगर आपको पसंद है. अब जितना पैसा लगाएंगे उतनी अच्छे मतलब मिल जाएंगे, बट बहुत ज़्यादा महंगा लेने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इन्हें हम कहीं ले जा बस एक बार लेके अपने घर पे रख देते हैं. इसे कहीं ले जाना सफ़र में बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो बैग में कपड़े होते हैं, और ये काफ़ी स्पेस ले लेते हैं इन्हें रखने के लिए ही. आधा मतलब जो भी ट्रॉली बैग होते हैं उनमें आधे में तो यही आ जाता है. तो हम जो भी होते हैं, हम कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, तो इस तरह के छोटे छोटे से ले लेते हैं. इसमें कुछ प्रोडक्ट अपने मेकअप के रख लेते हैं. अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो आप इस तरह के भी मेकअप बॉक्स ले सकते हैं. इसमें भी काफ़ी स्पेस है. ये देखिए, इस तरह से इसमें छोटा सा मिरर दे रखा है ये, और इस तरह से इसमें काफ़ी स्पेस है. सारा सामान मेरा भर रखा हुआ है. और एक दो और मैं आपको मेंशन कर दूंगी. आजकल बहुत फैंसी फैंसी मेकअप बॉक्स चले हैं, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जिससे अगर आप उस तरह के परचेस करना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू ले सकते हैं. और अब बात करेंगे हम मेकअप से रिलेटेड जो एसेसरीज़ हैं उनके बारे में. सो मैंने इस वाले मेकअप बॉक्स में भर के मतलब अलग से रखा हुआ है कि मुझे क्या क्या आप लोगों को दिखाना है. कुछ क्लैचर ज़रूर रखने चाहिए, छोटे बड़े हर साइज़ के. जिस तरह के आपके हैवी बाल हैं, पतले हैं, जिस टाइप के आपको क्लैचर आपके बाल में लगते हैं, तो आप क्लैचर ज़रूर रखिएगा. मेकअप रिमूव करने के लिए वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी. आपको फाइलर भी रखना होगा. नेल पेंट रिमूवर भी आपके पास होना चाहिए. एक छोटा सा मिरर भी होना चाहिए. साड़ी पिन भी बहुत अच्छी अच्छी शादी में हैवी सी लेते हैं. जिस तरह से ये मैंने कुछ शादी के टाइम की हैं, कुछ बाद में भी ली हैं. इस तरह से ये देखिए, काफ़ी सुंदर सी साड़ी पिन है. इस तरह की आप डिफरेंट डिफरेंट कलर की ले सकते हैं. गोल्डन ज़रूर एक लीजिएगा. और ये तो हैवी हो गई हैं, आप हल्की हल्की भी ले सकते हैं नॉर्मल घर में लगाने के लिए. इस टाइप की थोड़ा सा ये सस्ती सस्ती सी आती हैं, इस टाइप की छोटी छोटी सी. इस तरह से ये आपको हर टाइप का सामान शादी के लिए लेना पड़ेगा, हैवी भी और हल्का भी. और बिंदी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किस टाइप की बिंदी आप यूज़ करते हैं, छोटी बड़ी,
इस तरह की प्लेन बिंदी तो ज़रूर रखिएगा आपके फेस पे, जिस साइज़ की अच्छी लगती है, अगर आप छोटी बड़ी जिस साइज़ की भी आपके फेस पे अच्छी लगती है, इस तरह की एक मतलब ये पत्ता ज़रूर रखिएगा। और मुझे ये मैंने शादी के टाइम ही ली थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर मैं रेड बिंदी लगाती हूँ और उसके बाद ये वाइट लगा लेती हूँ, बहुत ही सुंदर लगती है। तो बिंदियाँ तो आपकी चॉइस है, किसी भी टाइप की, आपको जिस टाइप की अच्छी लगती है। इस तरह की कलरफुल भी आती हैं, अगर आप साड़ी के साथ मैचिंग की लगाना चाहते हैं तो इस तरह की कलरफुल भी ले सकते हैं। बिंदियों का कलेक्शन आप काफ़ी कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, हर टाइप की बिंदी ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं मिलती हैं, तो आप 2-4-10 पैकेट ले सकते हैं बिंदी का। और मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह का सिंदूर। आप फर्स्ट टाइम जाएंगे, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमें एक साल तक ऐसा ये जो सिंदूर होता है पाउडर वाला, वो वाला लगाया जाता है। तो इस तरह के आप डिब्बी में भर के रख सकते हैं और इससे लगाने में काफ़ी इजी होता है। तो आप ये भी ले सकते हैं, एक सिंदूर रखने वाला। ये मेरी शादी का ही है, बहुत सुंदर सा है ये। और आप कई तरह के ले सकते हैं, मेरे पास कई टाइप के हैं। एक ये है, ये लकड़ी का है, और मुझे इस तरह की चीज़ें कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। और एक ये भी काफ़ी सुंदर सा है। और मैं दिखाती हूँ ये सब सिंदूर रखने वाले हैं। और इस तरह की छोटी सी पर्स भी रख सकते हैं, ये यहाँ पे आपके साड़ी पहनने पे जो कमर पे ये आ सकती है, और इसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं और कमर पे लगा सकते हैं। ये मैंने लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नेल पेंट, रेड कलर की नेल पेंट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, और एक दो एक्स्ट्रा भी रख लीजिए कि आप कोई और कलर की पहनना चाहते हैं तो। इस तरह के न्यूड कलर भी रख सकते हैं। हेयर स्टाइल के लिए हमें इस तरह की क्लिप ये वाली, और साड़ी पिन छोटी बड़ी हर साइज़ की, और रबर बैंड कई तरीके के, पतले मोटे जैसे आपके बाल हैं उस टाइप के, एक ये वाली, और जूड़ा पिन ये वाली, और ये तीनों पिन ज़रूर होनी चाहिए हेयर स्टाइल बनाने के लिए। और ये मेरे पास हमेशा रहती हैं। और आप चाहें तो और भी बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी एसेसरीज़ में। ये बालों में लगाने वाले बीड्स टाइप के होते हैं, ये छोटे छोटे से, ये बालों में लगा लो तो बहुत सुंदर लगते हैं। जूड़ा बनाते हैं, उनमें फंसा लेते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, चिपक जाते हैं, इनमें चिपकने के लिए ये बना हुआ है, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। और इस तरह का गजरा भी आप ले सकते हैं, अगर आपने ये बन बनाया है तो इस तरह का बन बना के, और इसके साथ ये जूड़ा बहुत ही सुंदर लगता है। मैं अधिकतर ये वाली हेयर स्टाइल ही करती हूँ, क्योंकि हेयर स्टाइल मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट फटाफट से मैं इस तरह की जूड़े के साथ गजरा लगा के बढ़िया सी हेयर स्टाइल कर लेती हूँ। अगर सर पे पल्ला डालना है तो यहाँ पे जूड़ा बना के और ये गजरा लगा के बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मैंने बाद में लिया था, ये मेरा जूड़ा शादी का है। तो आप भी इस तरह का एक ये वाला या फिर ये वाला कोई भी एक जूड़ा आप ज़रूर लीजिएगा, आपके हेयर स्टाइल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपको कोई हेयर स्टाइल नहीं समझ में आ रही है तो आप बस बन बना के इस तरह के गजरा लगा सकते हैं, गजरा भी लगा सकते हैं, इस तरह के फ्लावर आते हैं आजकल, ये भी लगा सकते हैं इस तरह के। ये देखिए, ये फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप इससे भी जूड़ा बना सकते हैं, फटाफट से ऐसे ऐसे करके बन जाता है। मेरा कभी नहीं बनता है, बस मैंने लिया है, बट बनाने वाले बना लेते हैं, इससे बन भी जाता है अच्छा सा। और ये पफ बनाने के लिए, ये इस टाइप के, इससे इजीली बन जाता है, तो आपको ये भी ज़रूरी है लेना। कोम ज़रूर होनी चाहिए, आपकी पर्सनल कोम। सो फ्रेंड, ये थी कुछ एसेसरीज़ जो मैंने अपने शादी की शॉपिंग में ऐड की थी, और इनसे काफ़ी हेल्प हुई थी मेरी। सो फ्रेंड, आई होप इस वीडियो से आपको अपनी वेडिंग शॉपिंग में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।